नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हम आपको नए नए न्यूज आपको पहुंचा सकें। अहमदाबाद के रामोल में आए हुए मदनी नगर में जमीयत उलमा हिंद और परमार्थ निकेतन के ऐलान पर जमीयत उलमा गुजरात द्वारा अमन एकता हरियाली यात्रा के बैनर तले 50 से ज़्यादा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज रखा गया था, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना महमूद असद मदनी, परमार्थ निकेतन आश्रम के जनाब स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और स्वामीनारायण गुरुकुल विद्यालय प्रतिष्ठानम SGVP के प्रमुख स्वामी माधवप्रिय दास जी ने हाजिरी देकर वृक्षारोपण किया था और वृक्षारोपण के बारे में और कौमी एकता को लेकर काफ़ी खूबसूरत, दिल को छू लेने वाले अंदाज में बयान दिए थे। काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने हाजिरी देकर इन महानुभावों को सुना। शाबान अली हड़किया, SR न्यूज गुजरात। हम देश में अमन ला सकते हैं, देश को चमन बना सकते हैं और देश में एकता ला सकते हैं। अब गोली तो हो, गोली की तरह नहीं हो। कई बार हम बोलते हैं लेकिन कुछ ऐसा बोल देते हैं जो गोली लग जाती है। अब एकता की गोली हो, एकता की गोली बोलते बोलते पक्का मानिए कि हम अपने ही भीगेंगे, सामने वाला भी भीग जाएगा। हम सब एक हैं, एक परिवार हैं, कुछ अलग नहीं है। बिल्कुल किसी शिकायत के साथ, किसी शिकवे के साथ या किसी शक के साथ जीने की जरूरत नहीं है। हक के साथ जिए कि मेरा वतन है, मेरे वतन को, मेरे वतन को मुझे ही सजाना है, मुझे ही संवारना है। हम सबको मिलकर संवारना है, हम सबको मिलकर सजाना है। और इसलिए मैं इसे भी मानता हूं कि यह पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। अगर हम एक कुनबा हैं तो पक्का कर लीजिए जो हुआ सो हुआ, अब आगे कैसे बढ़ना है। एक यात्रा नए भारत की, ऐसा भारत जिसको हम हरियाली से सजाएंगे, ऐसा भारत जिसको हम खुशहाली से सजाएंगे, ऐसा भारत जिसमें हम कोई पॉलिथिन नहीं रहने देंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करेंगे, ऐसा भारत जो खुले में शौच से मुक्त भारत होगा, ऐसा भारत जो किसी भी तरह की गंदगी से मुक्त भारत होगा। लोग गुजरात मॉडल की बात करते रहे लेकिन मुझे लगता है अब मदनी नगर भी एक मॉडल बने, मदनी नगर एक मॉडल बने, क्योंकि मदनी नगर की कहानी कुछ अलग है। जब कहानी कुछ अलग है तो यहाँ से कुछ अलग ही होना चाहिए, कुछ अलग ही खिलना चाहिए। बस इसी के साथ ये यात्रा तो एक पड़ाव, यहाँ पर एक पड़ाव का दूसरा पड़ाव, लेकिन उस पड़ाव में हम पड़े ना रहे, उस पड़ाव में हम साथ मन से चल पड़े, दिल से चल पड़े। बात सारी दिल की है, कुछ भी दिल से करते हैं तो दिमाग भी खुल जाते हैं। बस इतना ही मुझे कहना है। ये बहुत सुंदर वातावरण है, चारों तरफ ऐसा कुछ कर दीजिए जो हमारे आदरणीय काबिले तराम मदनी जी ने कहा है, हर एक व्यक्ति 11 पेड़ लगाएगा। अगर ऐसा पक्का है, ये बात सच्ची है, ये पक्का मानिए, जब वलवला सादिक होता है और अस्म मुसम्मम होता है, तकलील का सामा गैरों से फिर आके भरा होता है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए आइए हम हाथ इधर से खड़े करेंगे और आप अपने दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथ, कि पक्का है कि हम 11-11 पेड़ लगाएंगे। हिंदुस्तान, 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 जय गुजरात। ये बहुत सुंदर, वाह भाई वाह, वो बिना देंगे मैडम। देखिए यही भारत है, जब तक ये तस्वीर जिंदा रहेगी भारत की, भारत जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान जिंदा रहेगा,
हमारी एकता जिंदा रहेगी और इस तस्वीर को बदलने का काम, इस देश की तकदीर को लिखने का काम किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, हम सबके हाथ में है। इसलिए आइए फिर पुनः हाथ खड़ा कर लें अपना और हम संकल्प लेते हैं कि हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे और मिलकर वतन को सजाएंगे। देखिए समय आ गया है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, पानी जगह जगह ख़त्म हो जा रहा है और गुजरात की धरती भी इससे अनजान नहीं है। जहाँ जहाँ तमें जाओ पानी की केटली किल्लत है, केटली मुश्किल थाय छे, केटली मुश्किली थाय छे। यहाँ आ माटे मने लागे छे गुजरातना लोको बद्दाने साथे लईने झाड़ वावा जोईए। हिंदी में इसलिए मुझे लगता है, मैं समझता हूँ कि गुजरात की धरती एक अलग धरती है, कुछ ऐसी धरती है जो कुछ अलग पैगाम दे सकती है, अलग संदेश दे सकती है। मैंने अभी कहा कि कुछ अलग करना है लेकिन अलगाव नहीं करना है। पेड़ अलगाव नहीं करते हैं, पेड़ कुछ ऐसा करते हैं जो पेड़ तो पीरों का काम करते हैं, फ़कीरों का काम करते हैं। पेड़ किसी पीर से कम नहीं है, पीर सबके होते हैं, फ़कीर सबके होते हैं, संत सबके होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पेड़ लगाकर हम एक बहुत बड़ा कार्य पुण्य कर रहे हैं और वो पुण्य किसी दूसरे के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हैं। पेड़ होगा तो पानी होगा, पेड़ होगा तो वायु होगी, वायु होगी तो आयु होगी, आयु होगा होगी तो जीवन होगा, तो पानी होगा तो कल होगा। पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इसलिए पेड़ों को लगाएं, पर्यावरण को हरा भरा करें और साथ ही साथ जल को दूषित ना करें, जल को संरक्षित करें। और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको आप धीरे धीरे कृपया बंद कर दीजिए, प्लास्टिक जहर है। इसलिए जैसे हम एक हो गए हैं, हम सब साथ मिलकर चल रहे हैं, मुझे लगता है यही संदेश है कि मिलकर हम जुड़े और जोड़े एक दूसरे को। जैसे पेड़ सबके लिए हैं, हम सबके लिए हों, फिर पशु पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, सबके लिए पेड़ है। अगर हमको भगवान ने, अल्लाह ने अगर ये चीज़ें दी हैं, इनको बचा कर रखना, हम बना तो नहीं सकते लेकिन बचा तो सकते हैं। पानी को बना नहीं सकते लेकिन बचा सकते हैं। आइए मिलकर इन सब चीज़ों के माध्यम से, पेड़ तो एक बहाना है, पेड़ तो एक बहाना है, उसके पीछे तो है कि हम कैसे मोहब्बत से जिए। मोहब्बत के पेड़ लगाएं, मोहब्बत के शजर लगाएं और वो शजर किसी भी फजर में आपको कितना क्या देगी, सुकून देगी, शांति देगी। और मुझे लगता है कि समय आ गया है, आइए मिलकर एक नए भारत की ओर चलें और नए भारत का निर्माण करें। अमन, एकता और हरियाली की यात्रा इसी का परिणाम है और ये यात्रा ऋषिकेश से शुरू हुई है और राष्ट्रपति भवन तक जाएगी, पूरे राष्ट्र तक जाएगी। आपने अभी अंदर कहा कि नमाज पांचों वक्त भी पढ़ी है और सामाजिक कार्यों में साथ में लेके चलिए। ठीक बात, मैं समझता हूँ अल्लाह केवल नमाज पढ़ने से ही खुश नहीं होंगे, लेकिन उस नमाज को यदि हम समाज के साथ जोड़ दें, समाज के कामों के साथ जोड़ दें, समाज में भी अल्लाह को देखने लगें कि इसमें हर एक व्यक्ति में अल्लाह बसता है कि नहीं। अगर ऐसा देखने लगेंगे हम तो आप पक्का मानिए कि ये बात ही बदल जाएगी। केवल नमाज नहीं होगी बल्कि गरीब नवाज जो है, परवरदिगार जो है, वो इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि अल्लाह की नेमत बरसेगी, ईश्वर की कृपा बरसेगी। और पक्का मानिए केवल अकेले आप पर नहीं, आपके परिवारों पर और पूरे समाज पर बरसेगी। इसलिए नमाज को समाज से जोड़ दो। क्या संदेश देना चाहेंगे आप एकता के बारे? मुझे लगता है कि एकता के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, बस दिलों को जोड़ना है। यहाँ से जो सोचते हैं ना, यहाँ से ना सोच के यहाँ से सोचने लगो। दिमागों की में जो कुछ भर जाता है कभी कभी उसको उठा दो। बोले नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है, खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता है। ये जो जुदा और खुदा के नुक्ते हैं ना, अगर ये नुक्ते हम समझ लें, ये नुक्ते ही नुस्खे बन सकते हैं इस देश को एक करने का, इस वतन को एक रखने का। आइए मिलकर उन नुक्तों को समझें और फिर उस इन नुक्तों को नुस्खे बनाएं। और ये नुक्ते हैं ना, प्यार के हों, मोहब्बत के हैं, पेड़ लगाने के हों, पानी बचाने के हों, यही तो नुक्ते हैं जिन्हें समझना है। हम नुक्ता चुनी करने लगते हैं कई बार, हमें नुक्ता चीनी नहीं करनी है, हमें नुक्तों को समझना है। नुक्तों को समझ के अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा करना है जो कुछ जुदा ना करे बल्कि हर एक के भीतर खुदा पैदा कर दे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR News गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।